जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज संडे है और 15 तारीख है, 15 मई, और टाइम हो गई कुछ 11:46 AM, 11:46 PM, 11:46। चलिए अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं मार्केट के लिए, और थोड़ा से मैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ मार्केट के बारे में। और टाइम देख लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आज के कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स ये है कि देखिए, मार्केट ने दो दिन 735 और 740 का लो बनाया, 15,735 और 740। गुरुवार को 735 का लो बनाया और फ्राइडे को 740 का। मगर जो पिछला लो बना था मार्च में, मार्च 2022 में 15,671, उसको अभी तक इंटैक्ट रखा, ये आपने देखा होगा। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या था, क्लोजिंग बेसिस जो लो था वो 15,863 का था, उसके नीचे दो क्लोज दे चुका। तो अगर हम प्राइस एक्शन की थ्योरी को माने, प्राइस एक्शन आप लोग समझते होंगे, तो हमने एक टॉप बनाया था अक्टूबर में 18,604, वहाँ से हम गिर के आए थे 16,410 दिसंबर 2021 तक। अक्टूबर 2021 में हमने बनाया था 18,604, जो अभी तक का मार्केट का ऑल टाइम हाई है। फिर दिसंबर 2021 में हमने एक बॉटम बनाया था 16,410 का, और जनवरी 2022 में फिर से मार्केट ने एक उछाल मार के लगभग उस हाई के नज़दीक जाके 18,350 का हाई बनाया। लेकिन वो भी फिर से फिसल के जब नीचे आया, तो मार्च 2022 में उसने एक लोअर लो बनाया 16,410 के बजाय, इस बार बनाया 15,671। और इंटरेस्टिंगली जनवरी में फिर से अप्रैल में फिर से उसने 18,114 का हाई बना दिया, फ्रॉम 15,671 2,443 पॉइंट्स। 8 मार्च को लो था और 2 अप्रैल को ये 18,114 पहुंच गया। 8 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में इसने 2,443 पॉइंट की राइज दी, 2,443 पॉइंट्स की राइज दी। अब आ जाइए वहाँ से, आज 15 मई है, 13 मई तक इसने 15,735 तक का करेक्शन भी दे दिया, 18,114 से अप्रैल में जो 2 तारीख को बनाया था, यानी कि लगभग 2,379 पॉइंट्स का करेक्शन दे चुका है। 2,380 आप राउंड फिगर में मान लो, 2,379, वेरी क्लोज टू द एक्चुअल राइज ऑफ 2,443 जो उसने 15,671 से 18,114 जाने के दौरान की थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक दो दिन इसने 735 और 740 का जब लो बनाया, तो उस लो को ब्रीच नहीं किया जो 8 मार्च को बनाया था। लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस लो था वो 7 मार्च का था मार्केट का, वो था 15,863 के आसपास, उसके नीचे लेकिन दो क्लोज दे चुका है। तो प्राइस एक्शन की थ्योरी के हिसाब से अगर हम क्लोजिंग बेसिस पकड़े, तो वो लो ब्रीच हो चुका है, यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न एक बार के लिए कंप्लीट हो चुका है अगर हम क्लोजिंग बेसिस का पकड़े। लेकिन हम डेली बेसिस का लो पकड़े तो अभी तक वो ब्रीच नहीं हुआ। और अभी आपने देखा FIs ने इतनी ज़्यादा सेलिंग कर दी, जो मैंने कल के वीडियो में अच्छे से समझाया था, अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक
13 मई तक उन्होंने 3,04,000 करोड़ का नेट सेलिंग किया। इट इज अ वेरी ह्यूज फिगर। जब मार्च में मार्केट ने 3,900 पॉइंट गिरा था निफ्टी मार्च में 3,900 पॉइंट्स, तब भी उन्होंने सिर्फ 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो उसके अब तो 3,04,000 करोड़ उन्होंने अक्टूबर से अभी तक बेच दिया, लेकिन मार्केट इज स्टिल होल्डिंग बिकॉज द मार्केट इज बींग फंडेड बाई DIIs एज वेल एज द रिटेल इन्वेस्टर्स हु ज्वाइंट द मार्केट आफ्टर दिस कोरोना। सो मैनी रिटेल इन्वेस्टर्स हैव कम अप एंड ज्वाइन द मार्केट। तो उनका ये रिटेल का और DIIs का पावर ही है, वरना इतनी जो ड्रास्टिक सेलिंग की है FIIs ने, आज मार्केट करीब 12,000 पे होना चाहिए था, 12,000 से भी नीचे होना चाहिए था। तो ये होल्ड कर रहा है। अब FIIs कहीं ना कहीं थक जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपको डाटा के थ्रू समझा चुका हूँ कल के वीडियो में। और अब अगर मंडे से कोई राइज आती है तो वो कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि यहाँ एक फैक्टर प्राइस एक्शन थ्योरी का कंप्लीट हो चुका है कि क्लोजिंग बेसिस नया लो बन चुका है, लेकिन डेली बेसिस, डेली इंट्राडे लो बेसिस अभी तक वो लो इंटैक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं तेजी होगी लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से सेलिंग आएगी। तो अब ये तेजी कहाँ तक हो सकती है? पहला पॉइंट, 2,379 पॉइंट्स का करेक्शन आया फ्रॉम 18,114 से लेके 15,735। इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फिबोनाची का नंबर 23.6%। इसका 23.6% लगभग 561 पॉइंट्स होता है। कितना होता है? 561 पॉइंट्स। अगर इस 561 पॉइंट्स को हम लोग ऐड कर देते हैं 15,735 में, तो हमारा पहला टारगेट आएगा निफ्टी का 16,296, लगभग राउंड फिगर में 16,300 पहला टारगेट। यानी कि पहला रेजिस्टेंस, अगर निफ्टी यहाँ से राइज करता है, अगर इस लो को रेस्पेक्ट देते हुए, 735 के लो को रेस्पेक्ट देते हुए राइज करता है, तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ फेस होगा? 16,300, 16,296, ठीक है। तो उससे प्लस माइनस 50 पॉइंट हमेशा रखना चाहिए, प्लस माइनस 50 पॉइंट। अब दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ होगा? 38.2% ऑफ 2,379, वो होता है 909 पॉइंट्स, 909 पॉइंट्स। अगर हम इस 909 पॉइंट्स को 15,735 में जोड़ दें, तो हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस पॉइंट क्या होता है? 16,644, जो कि एक गैप भी फिलअप हो जाएगा। 651 पे एक गैप है, मैंने कल के वीडियो में समझाया था। अब अगर मार्केट वहाँ पे भी नहीं मानता और उसके ऊपर भी क्लोज कर देता है, तो फिर अगला टारगेट क्या आएगा? 50% का, जो 2,379 है उसके 50% होते हैं 1,190 के आसपास, 1,190 के आसपास। तो उसको अगर हम ऐड कर दें 15,735 में, तो 16,925 का हमारा एक टारगेट आता है, और वहाँ पे सारे गैप फिलअप हो जाते हैं जो गैप नीचे आते मार्केट छोड़ के आया। तो मुझे लगता है मार्केट 16,925 तक जा सकता है, या प्लस माइनस 50 पॉइंट, अगर मार्केट अगले दो तीन दिन में, 15,670 के नीचे क्लोज नहीं करे तो। क्योंकि देखिए, लो जब टूटता है, जो पिछला लो है 15,600, वो टूटने से कोई मतलब नहीं होता है, उसके नीचे अगर क्लोज आती है तो फर्दर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाती है। इस थ्योरी को आप सीख लीजिए, प्राइस एक्शन की इस थ्योरी को, अगर पिछला लो तोड़ के क्लोज हो गया है तो फर्दर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मार्केट फर्दर डाउनफॉल स्टार्ट करता है तो 15,100 का टारगेट आ जाएगा। लेकिन अगर 15,671 इंटैक्ट रहता है और 735 भी इंटैक्ट रहता है, तो हम 16,925 तक के प्लस माइनस 50 पॉइंट टारगेट देख सकते हैं। और इस पे भी अगर मार्केट नहीं मानता और एक तेजी आती है, तो 61.8% ऑफ 2,379, जो कि होता है 1,470 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो उसको अगर ऐड करोगे आप 15,735 में, तो टारगेट आएगा 17,205। तो ये हो गए
प्रोबेबल टारगेट्स, और मेरा पर्सनल मन बोलता है 16950 या 925 तक शायद मार्केट जा सकता है, क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड भी है, FIs ने बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग कर दी है। अब मुझे नहीं लगता शायद वो ज़्यादा सेल में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक इंडिकेशन उन्होंने फ्राइडे को दिया भी है, उनके इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग हुआ है, सेल नहीं हुआ इसको, तो कहीं ना कहीं एक आशा की, उम्मीद की आशा किरण है, लेकिन देखना पड़ेगा कि 671 के नीचे क्लोजिंग तो नहीं दे देता, अगर देता है तो फिर 15100 का मैं टारगेट देता हूँ। तो ये है, और वेबिनार मैंने आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, 31 मई तक आपको 30,000 ही देना है, और 1 जून से 30 जून तक 35,000, बस सिंपल, और ज़्यादा जो मैंने पहले बोला था कि 4 मई तक या 5 मई तक वो सब हटा दिया, 30,000 और 35,000, 30,000 आप 31 मई तक ज्वाइन करते हो, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो 9635476788 पे व्हाट्सअप करिएगा। ये कोर्स हमारा जो होगा वो 3 महीने का होगा, जनरली 3 महीने से ज़्यादा ही होता है क्योंकि थोड़ा हम एक्सटेंड करते ही हैं, और 24 क्लास आपको मिनिमम मिलेगी, 2 आवर्स ईच, सैटरडे एंड संडे को होती है क्लासेस, और रात को 8:30-9 बजे से स्टार्ट होती है, 11:30-11:30 तक चलती है, और इसके वीडियोस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट होते हैं, लेकिन आप इसको शेयर नहीं कर सकोगे। दूसरा, आपको एक फ्री ऑप्शन ग्रुप में भी डाला जाएगा जिस दिन भी आप ज्वाइन कर लेगे, जो 31 जुलाई तक चलेगी। तो ये सब बेनिफिट्स है, ज्वाइन एज फास्ट एज यू कैन, और इट्स ओके इवन इफ़ यू डोंट ज्वाइन, अगर आप नहीं करते हो आप मेरा वीडियो वॉच करिए, वो भी अच्छा है, कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे गाइड करूँ। गलती, इंसान गलती का पुतला है, तो मुझसे भी गलतियाँ होती है, तो डोंट टेक मी एज ग्रांटेड, नेवर इन दिस मार्केट, मैं जो बोल दूँ वैसा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मैं भी कई बार गलत पढ़ूँगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हमेशा आपको सही सलाह दूँ। कई बार हम बायस्ड हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आगे से मैं बायस्ड भी नहीं हूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। लव यू ऑल, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।